गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और ये देखिए नई सुबह हो चुकी है, आप लोगों का स्वागत है। और आज तो मौसम एकदम से, ये देखिए कितना ज़्यादा अभी भी बारिश आने वाला हो रहा है। और रात को सुरुचि ने मशीन लगाई थी तो सारे के सारे कपड़े उसने छत में डाले थे, तो ये सब के सब ना फिर से भीग गए हैं, क्योंकि ना लगातार 3-4 बजे से बारिश लगी हुई थी और सब भीग चुके हैं। उसको मैं उसको कहती हूँ कि सारे कपड़ों को रात को ही नीचे ले आया करो, बेशक फिर सुबह फिर डाल देंगे, मगर उसने नहीं निकाले तो सब भीग गए। तो चलिए फ्रेंड नीचे चलते हैं, क्या करते हैं। और आज मेरा प्लान था मम्मी के घर जाने का, तो बारिश तो लगता फिर से आने लग गई है, तो पता नहीं कैसा होगा। सोचा तो था कि मम्मी के घर जाऊंगी, अब ये फिर बारिश होने लगी है। चलो फटाफट से नीचे चल देते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड मैं तो आप लोगों से बात ही कर रही थी, उतने में ये देखिए मौसम का हाल कि तुरंत बारिश आने लगी। और फटाफट से मैंने जो कपड़े तार में लगे हुए थे फटाफट निकाले, मगर वो एक कपड़ा अभी भी रह गया है तो वहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है। वहाँ पर वो सुरुचि ही निकालेगी, क्योंकि भाई बहुत ऊपर है और बारिश भी तेज़ होने लग गई थी। तो मैंने फटाफट से सारे कपड़े निकाल के अभी तो यहीं पे रख दिए हैं, और अभी लेके जाएंगे नीचे और जब धूप आएगी तब डालेंगे। इनको ड्राई कर रखे हैं उसने मशीन में, मगर फिर ये देखिए ये लड़की ने सारे कपड़े फिर भिगा दिए। ये देखो कितनी तेज़ फिर बारिश आने लगी है, और 2 दिन बारिश नहीं आई, आज फिर बारिश होने लगी। आज मेरा मन था, इतना मैं एक्साइटेड हो रखी थी कि आज मैं मम्मी के घर जाऊँगी, तो आज ये मौसम मेरा साथ नहीं दे रहा है। ये देखिए चलिए फिर नीचे चलते हैं। इतनी बढ़ रही है ना ये बबलू की बच्ची, बेचारे को इतनी तेज मारी है पता है, इतने कस के पीछे से। वो उसके घर में जा रहा था ना सोने, तो लेके आई एकदम पीछे से। वो देख बेचारा जूतों के ऊपर सोने के लिए जा रहा, तेरे फर वाले शूज ले सो जा इसमें। जैसे देखो इसकी तरह शक्ल में भी ना ऐसे झाइयाँ पड़ गई हैं, गुस्सा कर करके कर करके भयानक शक्ल की होती जा रही है दिन पर दिन। देख बेचारा कल कितना पिट पिटा कर आया, इसका मुंह में इसके निशान देखो जरा। बाबलू नो, अनुशासन में रहते हैं, मेहमान को कोई मारते हैं? पता नहीं इतनी बनती, इतनी बनती है ना अपने आप को। ये बेचारे को 3 बार मार चुकी है जब से, अब ऊपर चढ़ गई है, तब ऊपर चढ़ के एकदम तांडव दिखाएगी उस पे। हाँ तुम यहीं बैठो नीचे, हुआ हुआ ना करो। क्या हुआ है, क्या क्या हुआ, ये मार रही है बबलू तेरे को है? देखना बेचारे के सर में कितने सारे निशान बने हुए हैं चोट के। इसके दवाई लगा यार सुरुचि, इसे दवाई लगा, इसी इसी को नहीं देखना है। ये कुछ ना दे रही भैंस का दूध, इसी की ही तो बस खिदमतबाजी में लगे रहो हमेशा। घास तो खा रही है, घास खा रही है, घास खा के क्या करेगी। इसकी जगह अगर भैंस पाले होते हैं ना हम लोग एक, तो कम से कम दूध प्योर खान पीने को मिलता। वो भी दे देगी ठीक है। इसको खिलाओ पिलाओ और अपने हाथ को छन्नी करवाओ। हो जाए बेचारा भाई, मौसम का हाल देख लो। अब आए हैं सूर्यदेव निकल के, सुबह कपड़े डले हुए थे तो फटाफट फटाफट मैंने निकाले इतनी जल्दबाजी में, और अब फिर से सूरज देवता जी आ चुके हैं, तो चलिए कपड़े डाल देते हैं हम लोग फिर। ए बबलू आई, ये तो कूदती है ना तेरी बिल्ली सुरुचि। हाँ मुझे नहीं पता। और दादी के पेड़ों में देखना कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं, हैं? और तेरे पेड़ों में ना सब लगे और सब मुरझा गए। ये देख ये तेरी क्वालिटी, और वो है दादी की क्वालिटी। ये देख ले, और ये देख दादी के सारे पेड़ चमक रहे हैं, तेरे ना सारे फूल मुरझा गए। ये देख ये दादी के गमले हैं, वो सुरुचि के गमले हैं। तूने तो मैंने ना तोड़ा नहीं है ये, तेरी बबलू इस लकड़ के ऊपर चढ़ी थी, इस वाली लकड़ी के ऊपर चढ़ी थी और इससे वो धम से नीचे कूदी और तो वो लकड़ी गई नीचे। पौधा ठीक है ना, मेरे को नहीं पता लेके आना। हाँ यही काम रह गया मेरा, कोई और गलती करे सारा भुगतान मैं करूँ, ऐसा नहीं होता है। सुरुचि मेरे को ना इस कलर का टॉप चाहिए, ये वाले कलर का ऑरेंज। आज मार्केट चलेंगे, ऑरेंज कलर का टॉप लेके आऊँगी, इसका एक फूल तोड़ के लेके चलेंगे मार्केट। ठीक है तोड़ के दिखा जरा एक फूल, तोड़ के दिखाना तो तोड़ दूंगी तो क्या करेगी बता, मैं मम्मी हूँ कि तू मम्मी है, महारानी बनी रहेगी मेरे आगे। हम लेके कैसे आएंगे क्या पौधा? अब एक पौधा नहीं दिलाऊंगी मैं, ये सोच लेना, क्योंकि वो मैंने नहीं तोड़ा तो उसका इल्जाम तूने मेरे ऊपर डाल दिया। ठीक है तोड़ी तेरी बबलू भैंस। अरे लेके कैसे आएंगे, क्या सामान भी लाएंगे मॉल से, स्कूटी में
कनिका छोड़ेगी यहाँ तक? अरे तो सामान कनिका तो छोड़ेगी। अंताक्षरी खेलते हैं, चल अंताक्षरी खेल। लग रही है भूत, ऐसा लग रहा है कि मेरे आगे कोई भूत बैठी होगी। चल भाई नीचे चलो 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 चलो। देख तेरा टोपा और तेरी टी शर्ट और तेरा पजामा सब मैचिंग हो रहा है आज तो भाई, फुल फुल एकदम। अरे मुझे बिस्तर फोल्ड करना है भैया, कंबल फोल्ड करना है, तुम तो पूरा दिन तुम्हारे सर्दी बनी रहेगी। चलो हटो, देखो मारने देखो कैसे मारने आ रही। चलो हटो, न्याऊ आऊ क्या, इतनी जुबान ये लड़ाती है ना बिल्ली, सही में खाए पिए सब हम ही को आए खा काटने। अरे तो कंबल तो फोल्ड कर दे भैया, ये कहाँ का अनुशासन है? ठीक है रात को उठता है कंबल सोने के लिए, सुबह उठते के साथ साथ पहले अपने बिस्तर फोल्ड करना चाहिए। हाथ देख रही हूँ, ठीक है बिस्तर फोल्ड करना चाहिए, ये होते हैं अच्छे नियम कानून। चलो हटो, क्यों ऐसा लपड़ मारूंगी ना, चलो हटो। अरे तो बाबा कंबल तो फोल्ड कर देने दे, ये पता वो घर में ना सही वेव नहीं आती है वेव। हाँ अगर रात का बिस्तर बिस्तरे में ऐसे ही छोड़े जाओ तो वो फिर सही नहीं होता है घर में। हटो, क्यों चल हट जा बाबू, देख ये तो जैसे खा जाएगी एक दिन मेरे को। अब लाऊंगी तेल, 2-2 हजार रुपए का पेडिग्री, तो चिंता ना कर। वैसे कम्बल कितना प्यारा है ये, हाँ खाना दे दूँ? अरे खाना दूंगी, चलो फिर हटो, चलो हटो, हाँ चलो हटो, क्यों चलो भाई बोलो हटो यहाँ से, मुझे कंबल फोल्ड करना है, चलो हटो, क्यों हटो यहाँ से चल। अरे तो कंबल तो फोल्ड करूंगी, तुम कंबल के अंदर बैठे रहो पूरा दिन भर, चलो हटो। अरे राम मुझे मारने आई है कितनी तेज, देखो मैंने इसको बोला कि कंबल फोल्ड करूंगी तो मेरे को मारने आ रही है। बबलू क्या है, क्या हुआ, भूख लग गई? जाके बाहर के जानवरों को देख क्या, कैसे बेचारे ठंड में बैठे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, और यहाँ तुम कंबल ना फोल्ड करने दे रही हो मुझे। ठीक है ठीक है बाबू, क्या हाँ खाना मांग रही है मेरे से, क्या हो गई हूँ रेडी और मैं चलती हूँ अपनी मम्मी के घर में, मिलती हूँ आपको मैं अपनी मम्मी के घर में ही। ठीक है ये देखो मेरी भाभी मेरे ना पकोड़े बना रही है, ये देखा कितने गर्मा गर्म पकोड़े हैं, बारिश का मौसम हो रखा है और ये बन रहे हैं कढ़ाई में पकोड़े। मम्मी क्या खा रहे हो? ये देखो मेरी भाभी ने मेरे बनाए हैं गर्म गर्म पकोड़े, क्योंकि बारिश का सीजन चल रहा है, बारिश हो रही है बाहर तो इसका मजा लेते हैं गर्मा गर्म पकोड़े से, और ये हरी चटनी और सॉस के साथ मैं खा रही हूँ पकोड़े। फ्रेंड मैं मम्मी के घर आई हूँ तो मम्मी ने मेरे को ये दिए हैं इयर रिंग्स दी है, मम्मी के डिब्बे में रखी हुई थी, कितने सुंदर सुंदर इयर रिंग्स है, और एक ये दी है अंगूठी ये हाथों की दी है, और ये कानों के दिए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं देख रहे हैं। और मम्मी का खजाना देखो, मम्मी के खजाने में और पत्नी क्या क्या चीज़ें हैं ये सब लेके जाऊंगी। ये देखो ये मेरी मम्मी है और मम्मी ने मुझे इयर रिंग्स दी हैं, ये अंगूठी दी है, और अब दे रही है ये स्वस्तिक पेन का छल्ला, देख रहे हो इतनी सारी चीजें मुझे मिल गई है आज। तो देखो ये मैंने ना अभी मम्मी के घर में तसले में ना आग जलाई है, हैं, और मम्मी मुझे मना कर रही थी कि आग मत जला, तो मगर फिर भी मैंने जला दी है आग। मम्मी के घर में ये प्लांट लगे हुए हैं इतने सारे, और ये देखो ये नींबू के पेड़ में एक नींबू लटक रहा है, ये देख रहे हो पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी आती है यहाँ पे। भाई रेडी तुम लोग? हेलो yes. कनिका हेलो, मैं भी आ जाऊं? यस मेरे को भी ले चलो भाई, आओ फोन आगे जाओ। हम लोग जा रहे हैं अभी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए मेट्रो मॉल, और ड्राइव कर रही हैं कनिका मैडम, है ना कनिका? yes, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं मेट्रो मॉल ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। ओके यस आपके घर की ग्रोसरी लेने जाएंगे। ठीक है बैठी है सुरुचि और मेरी मम्मी,
मम्मी को भी जबरदस्ती ले लिया हम लोगों ने, मम्मी मना कर रही थी कि मैं नहीं आ रही हूँ, मगर फिर भी हमने ले लिया मम्मी को, क्योंकि मम्मी के बिना ना हम लोगों का ना मजा नहीं आता है, इसलिए हम लोगों ने ले लिया। अरे मेरा रैपिड टेस्ट। इतना बड़ा ये मेट्रो मॉल है ना, पूरा होलसेल का ये मेट्रो मॉल है, बहुत बड़ा। ये देखिए कितना सारा पूरा फुल पैकेज भर के मैंने पहले बालों को हेयर कलर ले लिया। ये वाला कप अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है। हाँ कॉफी ना, कॉफी कप यही वाला ले लूँ, बड़ा वाला ले ले, देख ले खाली। कौन सी वाली लिया? ये तो मैंने उसके लिए ले लिया, कुछ मम्मी ने बनाए हैं सॉस वगैरह। पास्ता सॉस है अभी रुक जा, देख ले। हाँ सनिका दादी कह रही मैगी ले लो, कितनी अच्छी लग रही है ना होटल। देखो मम्मी को डर दिया है ट्रॉली की चौकीदारी के लिए, अब मेरे को बुला रही सोची सब लो या ना लो, मगर ना मैगी तो सबसे पहले इन्होंने लेनी है। ये देखिए कितने सारे पैकेट और इतने सारे फ्लेवर हैं ये मैगी के, दुनिया भर के फ्लेवर। और ये देखो कितने पैकेट लेने हैं। हो गया सारा सामान और बुआ आंटी के लिए 3 किलो चीनी ले लेना। ये देखो मैगी, ये देखो कितना सारा सामान भर दिए दोनों के दोनों। ये कनिका मैडम, कनिका मुझे क्या खिलाएगी आज? जो आप बोलो ठीक है। नूडल्स यार, आईफोन लिया, आईफोन के में तो पार्टी होनी चाहिए ना। हाँ तो ले लो, आपको क्या पार्टी चाहिए? हाँ ठीक है। ये कौन सी दाल है सुरुचि? दाल मखनी वाली। दाल मखनी वाली, अच्छा दाल मखनी ज़्यादा बनाती है इसलिए दाल मखनी वाली दाल ले रही हो। हाँ क्यों? मटर तो है ना। मटर अभी ले रही हूँ मैडम, कबाब मैं लगी हुई हूँ काउंटर में, लाइन में लगी हुई हूँ और मम्मी बैठी हुई है उधर, उधर मम्मी को बैठा दिया है, अब अपनी लाइन में लगी हूँ। और कनिका सुरुचि पत्नी क्या क्या लेने गई हुई है, मैं बैठी हूँ अभी से ट्रॉली के साथ। अभी सुरुचि पत्नी क्या चिकन कबाब लेने गई है, उसका पैकेट ये नगेट्स का ले गया है, ये नीचे वाला आलू टिक्की का ले लिया है इसने, ये वाला कबाब का ले लिया। आप वो चेंज कर रहे हो? ये लिए नगेट्स चिकन के, ये चिकन वाला पैकेट है, एक ये कबाब का पैकेट ले लिया है, ये इसमें ले लिया है बर्गर बनाने के लिए आलू टिक्की का पैकेट। ये हमारे काउंटिंग हो गई है पूरी, काउंटर से हम हो गए फ्री। अब ये देखिए हमारी हो गई है बिल पेमेंट। चलो फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं बेसमेंट में, पार्किंग में। अब ये सामान शिफ्ट किया जाएगा, ये कनिका की ट्रॉली है, ये कनिका का सामान है और ये है हमारा सामान, ये हमारी ट्रॉली है। चलो भाई रखो सामान। फटाफट फटाफट तेजी से चलो। हम लोगों ने ना सारा ग्रॉसरी का सामान ले चुके हैं और अब हम बाहर आए हैं, तो वो लोग गाड़ी का पंचर हो गया है तो गाड़ी का पंचर कराने गए हैं सुरुचि और कनिका, और मम्मी और मैं चल रहे हैं पैदल पैदल उनके पास जाने के लिए। तो वो लोग अभी शायद पंचर लगाने के लिए पति कहाँ गए होंगे, तो देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा उनको। हाँ ये देखो मेरी वजह से
ये ना गाड़ी को पंचर क्यों करा भाई कनिका? मेरा मन था पंचर करने का, बहुत टाइम से हुई नहीं थी। हाँ बस खर्चा करते रहो, वैसे पता नहीं था कि बुआ ने आज आना है और सामान लेने आना है, तो गाड़ी को फिट फोर करके रखना चाहिए था। हाँ और क्या, गाड़ी को पहले से सर्विस करवा के अच्छे से रखनी चाहिए थी, बढ़िया से एकदम। अब ये देखिए ये हो रहा है पंचर, इसका फिट है भैया, जल्दी जल्दी ठीक कर दो इसकी बीमारी को। मेरी मम्मी कहाँ गई? हाँ देखो मेरी मेरी मम्मी ने मेरे को अंगूठी दिया, मेरी काला निशानी हो रही है, मेरी मम्मी ने दी है ये निशानी मेरे को। और देखो इन्होंने मेरे हाथ से मेरी मेरी अंगूठी मेरी निकाल दी। मेरी मम्मी ने आज मेरे को दो चीजें दी, कानों के इयर रिंग्स दिए और एक अंगूठी दी है। कनिका के है और उसे बिना पूछे दिए है। कनिका के नहीं है वो, मेरी मम्मी के थे। पूछा ना पाव भाजी कैसी लगी जिसने बताई। पाव भाजी कैसी लगी मैडम? सो गुड, मतलब मैंने ऐसी पाव भाजी बाहर भी नहीं खाई, बहुत अच्छी लगी थी। सही में मैं तो बोलती थी बनानी चाहिए, हमारी एंगेजमेंट हो गई। मेरी एंगेजमेंट कर रही है वो। पंचर कर दिया इन लोगों ने और बस पूछो मत है। अभी तो होता ही है ठीक है, बोल रही थी किसी कैफे जाएगी, कहाँ मैडम पता नहीं, अभी उधर ही है, अभी गाड़ी में पंचर लग रहा है ना अभी। अच्छा मम्मी देखना मेरे ऊपर पर्पल कलर अच्छा लग रहा है ना, मतलब भाई हम लोग कर रहे हैं वेटिंग पे, और क्योंकि गाड़ी हो रही है ठीक, गाड़ी का हो गया पंचर, तो अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ वेट, और फिर अपने घर भी जाना है हमें, पत्नी का जाना होगा, सामान वामान तो लेके रख लिया है, कनिका को लेके गए थे साथ में, अब वो गाड़ी ठीक कर रहे हैं वहाँ पे, तो गाड़ी ठीक हो रही है इधर ऊपर से वेट कर रहे हैं, इधर मम्मी इधर बैठी हुई है, मैं इधर बैठी हुई हूँ, और सुरुचि खड़ी है इधर। तो ये देखो कनिका लेके आई है हमारे लिए नूडल्स, क्या पैक करवाया है भाई, और खा के क्या आए हो दोनों? कुछ भी नहीं, मोमोज। देखा मुझे पता था कि तुम लोग कुछ ना कुछ तो खाने गई हो मैडम। तो क्या हो गया, खुर्ची खुर्ची करने के लिए थोड़ी ना बनाया अभी तुम्हारा नया हाउस, ये देखो ये सुरुचि इसने सारा का सारा खुर्ची खुर्ची कर दिया। बस हो गई तमन्ना पूरी, हो गई इच्छा पूरी।